हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ फ्लोर प्लानिंग सीरीज़। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इस फ्लोर प्लान की और साथ साथ एलिवेशन की। इस बिल्डिंग का कुछ महीने पहले मैंने मॉडल मेकिंग का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ जाके देख लें। तो इस फ्लोर प्लान के बारे में बात करते हैं। इस बिल्डिंग का फ्लोर प्लान कुछ इस तरह से है और जो मैंने मॉडल मेकिंग के वीडियो के लिए जो फ्लोर प्लान बनाया था वो बहुत ज़्यादा चेंज है, यानी हमने सिर्फ इसमें फ्लोर प्लान चेंज किया है, बाकी फ्रंट एलिवेशन एज इट इज़ रखा है, ठीक है। वो बनाकर बहुत टाइम हो गया तो मैंने सोचा कि फ्लोर प्लान में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। लेकिन इस प्लान में हमने 4 बेडरूम प्रोवाइड किए हैं, जिसमें 3 में हमने अटैच बाथरूम दिए हुए हैं और सिंगल और फ्रंट का जो बेडरूम है उसमें विदाउट बाथरूम, ठीक है। तो फटाफट से इसके डायमेंशन के बारे में बात कर लें। तो इसका ओवरऑल डायमेंशन 40x50 फीट है और इसका ग्राउंड फ्लोर एरिया 1856 स्क्वायर फीट है। तो इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 28 से 30 लाख तक इसका बजट आ जाएगा और ये बजट जो है रीजन वाइज वेरी करता है, पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं फ्लोर प्लानिंग की। तो सामने की तरफ हमने एक फोयर दिया हुआ है 8 फीट x 9.6 का और इसका स्टेप जो है हमने इस तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके एंट्रेंस इस एंगल से यानी अपोजिट डायरेक्शन से दी हुई, फोयर से इंटर करते आपको लिविंग हॉल मिलेगा 15 फीट x 11.6 का और लिविंग हॉल में हमने 2 विंडो प्रोवाइड किए हैं जिसका डायमेंशन मैंने एलिवेशन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 विंडो प्रोवाइड किए हैं, इस तरफ एक और इस तरफ एक। उसी तरह से हमने लिविंग रूम से डाइनिंग के लिए एक ओपन दिया हुआ है, ओपन आर्च बोल सकते हैं आप लोग, और डाइनिंग रूम का साइज़ जो है 23 फीट x 12 फीट 6 इंच है। डाइनिंग रूम से हमने फ्रंट पे एक विंडो दिया हुआ है और डाइनिंग रूम से ही हमने एक बेडरूम दिया है 14 फीट x 11.6 का, इस बेडरूम में हमने 2 विंडो प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। और डाइनिंग रूम से हमने एक यहाँ पे बड़ा सा विंडो प्रोवाइड किया है। उसी तरह से डाइनिंग रूम से ही सब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे किचन, बेडरूम, स्टेयरकेस, सारी चीज़ें जो है डाइनिंग रूम से दी हुई। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है बेडरूम 2, जिसका साइज़ है 12 फीट x 10.6 और इस बेडरूम में हमने एक अटैच बाथ दिया हुआ है 8.6x4.9 का, साथ ही साथ यहाँ हमने वेंटिलेशन और इस बेडरूम के लिए विंडो दिया है जिसका साइज़ 5 फीट x 5 फीट है, ओके। उसके बाद यहीं से हमने स्टेयरकेस दिया है फर्स्ट फ्लोर, या फिर अगर आपका प्लान है फर्स्ट फ्लोर में बनाने का, या फिर आप टेरेस के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेयरकेस दिया हुआ है, लैंडिंग के नीचे से हमने 2 बेडरूम के लिए एंट्री दी हुई। इस बेडरूम का साइज़ 12 फीट x 11.3 फीट है और इसमें हमने 6x4 का एक अटैच बाथ दिया हुआ है जिसमें 2 विंडो प्रोवाइड किए, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से बिल्कुल साइड से हमने एक लैंडिंग के नीचे से बेडरूम 4 के लिए एंट्री दी हुई। 12 फीट x 12 फीट इस बेडरूम का साइज़ है और इसमें हमने 5 फीट x 5 फीट का बाथरूम प्रोवाइड किया। तो इस बेडरूम में सिर्फ एक विंडो दिए हुए, ओके। उसके बाद हम इस तरफ से आते हैं तो यहाँ पर हमने किचन के लिए एंट्री दी हुई डाइनिंग रूम से बिल्कुल सामने से। तो किचन 11 फीट x 10 फीट है और किचन से हमने स्टोर रूम प्रोवाइड किया हुआ है 5 फीट x 5.6 इंच का, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि किचन के लिए स्टोर रूम ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद किचन से हमने इस प्लान में किचन से हमने एक वर्क एरिया के लिए यहाँ से एंट्री दी हुई, जो कि वर्क एरिया यहाँ पर 9.9x13 फीट है जिसका वर्क एरिया है और कंस्ट्रक्शन के लिए भी इजी हो जाएगा आपको। फ्लोर प्लान के लिए मार्किंग के डायमेंशंस वगैरह हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए जिससे आपको आसानी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिवेशन की। तो एलिवेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो सामने की तरफ से इस तरह से दिखता है और इस साइड से इस तरह से दिखता है, यानी 3D एलिवेशन में कुछ इस तरह से दिखता है और फ्रंट एलिवेशन में कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो फ्रंट एलिवेशन में नेसेसरी डायमेंशंस प्रोवाइड किए हैं, बिल्डिंग हाइट कितना है और बीच में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उस एलिमेंट्स का साइजेस वगैरह, डायमेंशंस वगैरह, उसके बाद में प्लिंथ साइज़ कितना है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ ज़रूरी डायमेंशंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आप जैसे देखोगे तो उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायमेंशंस कितना है, किस चीज़ का है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस प्लानिंग और एलिवेशन का PDF फॉर्मेट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और एक बात, अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको ट्राई करूँगा। ठीक है, बाय बाय।